भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद प्रशंसक अपने पसंदीदा राजपाल यादव की अगली फिल्म अर्थ को स्क्रीनिंग पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई सितारे शामिल हुए। फिल्म अर्ध में राजपाल यादव एक छोटे शहर के शिवा की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक चोर होने के बावजूद अभिनेता बनने के लिए संघर्ष करता है। कहानी मुंबई में सेट है। सपनों के शहर में जीवित रहने और अपनी रोटी और मक्खन कमाने के लिए वह अपनी पत्नी के समर्थन से पार्वती नामक एक ट्रांसजेंडर होने का नाटक करता है। फिल्म में रूबीना दिलैक उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। रूबीना स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वह फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग कर रही हैं। अभिनेता शक्ति कपूर भी स्क्रीनिंग में मौजूद थे। उन्होंने राजपाल यादव के अभिनय कौशल की प्रशंसा की और अर्थ की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। मैं अपने छोटे भाई राजपाल जी को एंड द प्रोड्यूसर भैया, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। मैं ये फिल्म अवश्य देखने वाला हूँ, मुझे एक इवेंट में जाना है। मैंने इनसे माफ़ी मांगी कि मैं पहले से कमिटेड था, लेकिन मैं गेट पे खड़ा होकर पूछा, मेरा भाई राजपाल जी हैं? बोले हैं। मैंने कहा हमेशा रहेंगे और हमेशा सबका दिल जीतते रहेंगे। सो आई विश द एंटायर ग्रुप, और इसकी ये परफॉर्मेंस आई बिलीव इज़ गोना बी एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। जितने भी अवार्ड्स हैं इस साल, ये सब हमारा ये छोटा चेतन लेके जाने वाला है। सर, मैंने इनके 20 अंदाज देखे हैं, आप 2 अंदाज की बात कर रहे हो? इस फिल्म की बात भी है, ये तो कुछ नहीं है इनके लिए, इनका तो बहुत बड़ी जर्नी है सर। ये जो रोल है बहुत डिफ़िकल्ट रोल है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए। और जो एक्टर होता है वो किसी भी इनहिबिशन को मानता नहीं है। इन्होंने लड़की का रोल किया है, लड़के का रोल किया है, डाकू का रोल किया है, हंसा हंसा के सब। मतलब एक जो पहले फिल्म राम जी की आई थी, गोपाल जी की, मुझे सलमान खान ने बोला एक एक्टर ऐसा आया है, शक्ति विलनी क्या होती है उस एक्टर से सीखना, कद उसका हिटलर जितना है लेकिन काम जो उसने किया बड़े बड़ों को डरा देगा। और वही एक्टर ने सबको हंसाया है, और आज वही आदमी अपनी परफॉर्मेंस से आपका सबका दिल जीतने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी अर्थ की टीम को शुभकामनाएं दी। जी जी प्लीज कम। आई एम ऑनर्ड कि मैं यहां पे अच्छे टाइम पे मैं यहाँ पे आई, कि मुझे इनकी मैंने आपका ट्रेलर देखा सर, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इतना खूबसूरत पोस्टर है, एंड सर कि मैं बचपन से, मतलब मैंने इतनी मूवीज देखी, मैं इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस। मतलब टैलेंट इज हिम, मतलब इज लाइक बॉम्ब ऑफ टैलेंट। सो आई एम ऑनर्ड दैट आई गॉट अ come here and I got to be a part of this. thank you bol bolega tu main lock up mein thi main to mujhe 3 mahine andar thi to zyada kuch dekhne nahi mila, but ye khoobsurat movie main dekhungi. yahan ye shiva and parvati ke roop mein andaaz mein aane wale hain, to aap bataiye aap kaise andaaz mein excited hain inko dekhne ke? dekhiye abhi jo shiva parvati ke andaaz mein aaye hain sir, और अभी तक इन्होंने जितना भी किरदार निभाया है वो सभी इतना खूबसूरत रहा है, तो ये ऑब्वियसली हर एक लेवल ये हर बार आते हैं और कुछ एक अलग ही यू नो कर जाते, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने फिल्म जगत अपने प्रशंसकों और मीडिया को हमेशा उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और थैंक यू सो मच कि उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने हमेशा समय समय पे मुझे रिकग्नाइज़ किया है, और मैं फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमेशा, चाहे कभी सपोर्टिंग रोल में चाहे कभी लीड में, हमेशा इंडस्ट्री ने कोई न कोई हमारे ऊपर भरोसा रखा है। थैंक यू पलाश मुच्छाल एंड फैमिली एंड पूरी टीम, कि मुझे ये पता नहीं था कि अर्ध जैसा कैरेक्टर मुझे निभाने का मौका मिलेगा, लेकिन पलाश को हमारे ऊपर विश्वास था। हमने पलाश से पूछा, हमने कहा कि आपको लगता है कि मैं मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए? पलाश ने कहा कि मैंने जब से पहला शब्द लिखा है तब से आपकी शक्ल हमारे सामने है, फिल्म बन के तैयार है, आप लोगों के सामने है, आशा करता हूँ कि सबको पसंद आए। और थैंक यू Z5 कि अर्ध को एक प्लेटफॉर्म दे के आपने एक अर्थ दे दिया,
और इसलिए इस फिल्म का मीनिंग, क्योंकि ये OTT फिल्म है और 10 जून को Zee5 पे रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आपके माध्यम से देश दुनिया में जहां भी आप Zee5 ऐप डाउनलोड कीजिए और मुफ्त में फिल्म देखिए, और इसमें जो अच्छा है वो सब आपका है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, बस यही कह सकता हूँ। पल म्यूजिक एंड फिल्म्स द्वारा निर्मित और पलाश मुच्छल द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 10 जून से Zee5 पर स्ट्रीम होगी। INS रिपोर्ट।